अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं लेक्चर नंबर थर्टी फाइव को तो जो लेक्चर थर्टी फाइव है वो है अबाउट न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी रिलीज फ्रॉम द न्यूक्लियस द कोर ऑफ एटम मेड अप ऑफ प्रोटोन एंड न्यूट्रॉन तो न्यूक्लियर एनर्जी को हम कहाँ से प्रोड्यूस करते हैं या ये कहाँ से रिलीज होती है तो ये न्यूक्लियस में से रिलीज होती है जो कि एटम का कोर होता है जो कि बना हुआ होता है प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का द सोर्स ऑफ एनर्जी कैन बी प्रोड्यूस्ड इन टू वेस तो ये जो न्यूक्लियर एनर्जी है इसको हम पैदा कर सकते हैं दो वेज में जो फर्स्ट है वो है फ्यूजन और जो सेकंड वे है वो है फिशन तो अब डिस्कस करते हैं हाउ न्यूक्लियर पावर प्लांट वर्क्स इनसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट्स न्यूक्लियर रिएक्टर contain and control the chain reaction to produce heat through fission the heat warms the cooling agent typically water to produce steam the steam is then channeled to spin turbines activating an electric generator to create low carbon electricity तो जो न्यूक्लियर रिएक्टर होता है इनसाइड न्यूक्लियर पावर प्लांट वो कंटेन करता है और कंट्रोल करता है जो एक चेन रिएक्शन जो है वो चल रहा होता है उसको क्योंकि वो जो सारा रिएक्शन है जो न्यूक्लियर रिएक्टर में चल रहा होता है वो प्रोड्यूस करता है हीट को थ्रू फिशन और फिशन आपको पता है कि क्या होता है कि जब हम जो लार्ज न्यूक्लियाई होता है उसको ब्रेक करते हैं स्मॉल न्यूक्लियाई में देन जो हीट होती है वो गर्म करती है पानी को तो जब फ्यूजन के थ्रू हीट पैदा होती है तो वो टिपिकली जो कूलिंग एजेंट होता है वाटर उसको वाम करती है और जब जो पानी होता है वो वाम होता है तो जो स्टीम है वो प्रोड्यूस होती है तो फिर जो स्टीम होती है वो क्या करती है वो टर्बाइन को हेल्प करती है उसके ब्लेड रोटेट करने में तो देन जो टरबाइन होता है वो रोटेट होता है तो फिर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है और वो जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी होती है क्योंकि उसमें कोई भी डेंजरस गैसेज जो हैं वो शामिल नहीं होती अच्छा जी अब हम डिस्कस करते हैं नीड ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी को तो जरूरत क्यों हमें पड़ती है कि हम इतना खतरनाक काम करें क्योंकि न्यूक्लियर को कंटेन करना कंट्रोल करना उसको सिक्योर करना प्रिजर्व करना बहुत ज्यादा मुश्किल है तो सबसे पहला है पॉपुलेशन ग्रोथ है पॉपुलेशन ग्रो हो रही है जिसकी वजह से जो एनर्जी की डिमांड्स हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं और जो दूसरे जराए हैं जिनके थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं वो मोस्टली हमारे अर्थ के एटमोसफेयर के लिए डेंजरस है देन नॉन कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ विंड सोलर हाइड्रो पावर एंड बायोमास रिसोर्सिस तो सेकंड जो है वो ये कहता है कि विंड सोलर और हाइड्रो पावर है उसकी नॉन कंटिन्यूस सप्लाई है तो जब इनकी नॉन कंटिन्यूस सप्लाई है तो हमें कोई दूसरा मेथड देखना है एनर्जी प्रोड्यूस करने का तो जो दूसरा मेथड है वो है न्यूक्लियर एनर्जी देन है एवोल्यूशन ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी इट्सल्फ जो थर्ड रीजन है वो ये कहता है कि न्यूक्लियर एनर्जी खुद इवॉल्व हो रही है तो जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ती है कि इसको यूज़ करें देन है एनर्जी फ्राम वन ग्राम यूरेनियम इज इक्वल टू टू पॉइंट फाइव मिलियन टाइम्स एनर्जी बाई बर्निंग द कोल तो एक ग्राम यूरेनियम हम इनरिच करते हैं और उससे हम एनर्जी पैदा करते हैं तो वो जो एक ग्राम यूरेनियम है वो इक्वल होता है टू पॉइंट फाइव मिलियन टाइम्स एनर्जी बाई बर्निंग द कोल और उसके अपने फिर कंसिक्वेंस होते हैं कोल के गैसेज पैदा होती हैं जो कि फिर हमारे एटमोसफेयर को अफेक्ट करती हैं तो अब हम डिसएडवांटेजेस देखते हैं न्यूक्लियर एनर्जी के अ little मिस हैंडलिंग कुड लीड टू effects इफेक्ट्स तो हल्की सी मिस हैंडलिंग हो जाए तो उसके जो effects हैं वो बहुत बुरे होते हैं देन इट इज़ एक्सपेंसिव क्योंकि इसको enrich करना आसान नहीं है देन सिक्योरिटी थ्रेट है क्योंकि अगर ये जो एनर्जी है वो किसी non स्टेट एक्टर के हाथ लग जाए तो वो पूरी दुनिया के लिए नुकसानदेह हो सकती है